जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी जेआईटी और डॉन लीक्स के मामले पर, क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 48 घंटे में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब की कोई 3 मुलाकातें हुई, फिर एक आज आला सतह का इजलास हुआ और डॉन लीक का मामला भी इसमें जेर बहस आ रहा है और जो जेआईटी बनी है पानामा के हवाले से उसका मामला भी जेर गौर है कि इससे को किस तरह से डील किया जाएगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है जो चाहती यह है कि डॉन लीक्स की जो प्रोग्रेस हो उसको मीडिया में मुश्तहिर किया जाए, उसे मंजरे आम पर लाया जाए। कितना ठीक होगा कितना ठीक नहीं होगा इस पर भी बात करेंगे। सिंध के हवाले से भी कुछ मामलात हैं जो जेर बहस आएंगे और इमरान खान साहब का केस जो हनीफ अब्बासी साहब ने इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन पर किया हुआ है कि उन्होंने अपने असासे छुपाए, इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया कि उनकी ऑफशोर कंपनी थी या उनके दीगर असासे थे, उनको छुपाया गया है, गैर मुल्की फंडिंग का मामला है। तो ये तमाम मामलात मुल्क के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा किए हुए हैं जिससे लगता यह है कि कोई सियासी बहरान है जो कि बहुत शदीद होता चला जा रहा है। मगर साथ साथ हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि हमारे तीनों बॉर्डर्स इस वक्त तकरीबन हॉट हैं। ईरान की तरफ से भी एक बयान आ चुका है जिसकी मजम्मत की गई है पाकिस्तान में। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं उसके तनाजुर में हमें दाखिली मामलात को भी देखना होगा और खारजी मामलात को भी सामने रखना होगा। सबसे पहले मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं दानियाल अजीज़ साहब, PMLN से। दानियाल अजीज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ महमूद रशीद साहब PTI से, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और साबिर बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज़ साहब, क्या मामला चल रहा है? 3 मुलाकातें तो सिर्फ चौधरी निसार साहब की हुई हैं, फिर आज एक आला सतह का इजलास हुआ है, किस बात पर इतनी बहस व मुबहसा हो रहा है, तय क्या करने जा रहे हैं? जी ज़ाहरी बात है चौधरी निसार साहब जो अहदा रखते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री का, उसमें वो बड़ी अहमियत की हामिल है और उस सिलसिले में सिर्फ अभी नहीं तकरीबन हर हफ्ते में मुलाकातें होती रहती हैं, अक्सर पेश वो दौरों पे भी साथ ही होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी जो गिनती आपने सुनाई है ये कोई इतनी हैरत अंगेज़ बात नहीं है। उनकी तो कई मरतबा एक एक दिन में 3-3 मुलाकातें हो जाती हैं, तो ये मामूल की बात है। लेकिन जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, वाज़ह तौर पर जो कैबिनेट है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स हैं, जब भी जैसे कि आपने खुद आइडेंटिफाई किया है बड़े अहम मामलात हैं जो हमकनार करने हैं पाकिस्तान में, उसमें ज़ाहरी बात है सब मिलके अपनी अंडरस्टैंडिंग भी कंप्लीट करते हैं और अपनी मुख्तलिफ राय का इजहार होता है जिसमें फिर पॉलिसी मरतब होती है। तो यह भी सियासी जमातों का अमल है, तो ज़ाहरी बात है वो करते चले आए भी हैं और करते चले जाएंगे भी आगे भी इंशाल्लाह। सर ज़्यादा फोकस किस पर है, JIT पर या डॉन लीक्स पर? मेरे ख्याल में जी जो आपने अमूर बताए हैं ये सारे के सारे मुख्तलिफ अंदाज से ज़ेर बहस आते हैं, एक ओवरऑल असेसमेंट की जाती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। यकीनन पाकिस्तान में अभी रमज़ान का महीने भी आने वाला है, नया एयरपोर्ट खुल रहा है, हज की फ़्लाइटें भी जाने वाली हैं, पाकिस्तान में जो पावर स्टेशंस हैं वो भी ऑनलाइन आते जा रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो ये तमाम चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं जी। अच्छा मियां महमूद रशीद साहब, लग तो ये रहा था कि PTI ने बड़ा दबाव डाला हुआ है और हुकूमत में जो मुलाकातें हो रही हैं शायद इसी वजह से हो रही हैं कि दबाव बहुत ज़्यादा है, मगर दानियाल अजीज साहब तो कहते हैं कोई दबाव नहीं है, मामूल की चीज़ें हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। मेरा ख्याल है जी बिल्कुल ठीक कुछ भी नहीं चल रहा, और ये जो एक तूफान था डॉन लीक्स के हवाले से वो अभी थमा है, रुका नहीं और टला भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तारीख में पहली दफ़ा DGIG IS PR की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन है जारी करदा, उसे ये कहा गया कि रिजेक्टेड, इनकम्प्लीट एंड रिजेक्टेड। उसके बाद एकदम एक तूफान उठा और इंतहाई टेंस सिचुएशन हो गई। अब कोशिश के बाद थोड़ी बर्फ़ पिघली है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बुरान मुकम्मल तौर पर जो है वो टला नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मुल्की सलामती का जो ब्रीच हुआ है उसके हवाले से फौज भी और पाकिस्तान के आवाम भी वो किसी तौर पर भी इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और जो अब तक का एक परसेप्शन बना या जो इकदाम हुए हुकूमत की तरफ से डॉन लीक्स की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हवाले से,
कि पहले आपने परवेज रशीद साहब को और उसके बाद एक दो और अफराद को, फातमी साहब को और राव तहसीन, ठीक है, ये सारी बातें सामने में महमूद रशीद साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि कौम चाहती है जानना, मगर 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 साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि बर्फ पिघली है। अब अगर ये मामला वाकई अपोजिशन करने वाले हैं तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो बड़ी बातें कर रही है मगर बहुत अहम मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देती चली आ रही है, तो इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है साबिर साहब? नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि आप कहें कि जी कि पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ दे रही है। नून लीग का साथ कहाँ दिया है? साथ इसी को कहते हैं। बात बेसिकली ये है कि देखो पीपल्स पार्टी फ्रेंडली अपोजिशन का, फ्रेंडली अपोजिशन का ताना तो आपके लिए कोई नया नहीं होगा। नहीं, फ्रेंडली अपोजिशन हमारे जमाने में उनको भी कहते थे कि जी के फ्रेंडली अपोजिशन है, लेकिन आपने देखा कि यानी काला कोट पहन के पीपल्स पार्टी के खिलाफ नवाज शरीफ साहब खुद कोर्ट में पहुंचे थे। अच्छा, अब हमें क्या कहा जा रहा है कि जी कि ये तो अटेंशन डाइवर्ट करने बात है गवर्नमेंट की और हुकूमत जो है ना वो अपने जो अपने जो किए हुए उनके जो अहमाल हैं उनकी वजह से बहुत एक गर्दाब में फंसी हुई है, चारों तरफ से फंसी हुई है, पनामा लीक्स में फंसी हुई है। वो तो कह रहे कोई गर्दाब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सारा कुछ चल रहा है, जो मुलाकातें हैं वो नॉर्मल मुलाकातें हैं, मीटिंग्स होती हैं, अहम मामलों पर डिस्कशन होती है, हज फ्लाइट शुरू होने वाली है, इन पर बातचीत हो रही है। देखें जी, बात ये कि ये कहने की बातें होती हैं, आप जो है ना जो इनसाइड स्टोरीज हैं। अब एक चीज आप देखें, आप जो है ना यानी सीक्रेसी की हालत आप इस मुल्क में देखें कि यहाँ पर कोई चीज, कोई सीक्रेट चीज तो है ही नहीं यहाँ पे। आप ये लीकेजेस वगैरह ये और वो ये सब जो है ना ये चल रहा है, ये सब इनफिशेंसी, बैड गवर्नेंस, एक दूसरे के साथ एक यानी हाथ ना मिलाना, एक दूसरे को नफरत करना, एक दूसरे के डिसलाइक करना, अच्छा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है किसी किस्म की जो है ना, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ता है कि जी के आप अपने कैबिनेट मीटिंग बुलाएं और कैबिनेट मीटिंग्स में बैठ के फैसलों की आप अब मामला ये है ना साबिर साहब, ये तमाम मामला तो सुप्रीम कोर्ट आपसे भी सिंध में कहती है, आपकी हुकूमत के साथ भी ये सारे मामला चलते रहते हैं। अपनी लीडरशिप पर हमें पूरा एतमाद, हमारे लीडरशिप के साथ हमारे कॉन्टैक्ट लीडरशिप का हमारे मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नेंस के इश्यूज, सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है, वो तमाम मामला तो आपके साथ भी चलते हैं ना। दानियल साहब, आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अब ये चाहती है कि जो मामला चल रहा है पनामा लीक्स जीआईटी का, ये मुश्तहिर हो, सारी बातें मीडिया पर आए, कोई बात जो है वो कोर्ट अपने तक ना रखे, कितना ठीक होगा ये, या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए? मेरे ख्याल में जी, जो चीज़ें मीडिया पे आ रही हैं तो ज़ाहरी बात है इन्होंने दम दबा के भागना ही था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि तीन साल से जो ये छुप रहे थे, कभी एडमिसिबिलिटी, कभी स्टे, कभी ये अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है ना 6-6 महीने गुजार रहे थे, और कभी ये इलेक्शन कमीशन को गालियाँ दे के तो इनको फिल्थी और कंटेम्प्ट में ऑर्डर। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि जीआईटी का जो मामला है, जीआईटी की प्रोग्रेस, सवाल गंदम जवाब चना, सब पता है मीडिया पर आती रहनी चाहिए। मुझे पता है आपको बड़ा शौक है जीआईटी का, मैं बात करता हूं, लेकिन आपके नाजरीन को मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में 2 केस और भी चल रहे हैं, महज जीआईटी नहीं चल रही, और थोड़ा सा आप इसको बैलेंस करने की इजाजत दें, और उसमें जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने अकाउंट्स जमा करवाने हैं उसके ऊपर कैमरा चलना चाहिए, जो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इनके सेक्रेटरी जनरल ने अपने दानियाल साहब जो है ना वो अजीब आलम है, और यही आपसे जवाब दे रहा हूँ कि इनको चाहिए जी। मैं आपके मुतालबे की तरफ ही आ रहा हूं, अगर आप मुझे मौका दें, ये क्यों नहीं मुतालबा करते कि ये केसेस भी जो है ना कैमरे में लाइव चलने चाहिए, इधर ये सो जाता है इनका जमीर, तो आप करेंगे ना मुतालबा? आप मुतालबा कर लें, आप मुतालबा करेंगे ना, वो कर रहे हैं मुतालबा आपसे मुतालिक जी, तो अब सिर्फ इसलिए जी 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 मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ इसलिए ताकि उन केसेस से अटेंशन हट जाए
और इनका जो खोखला केस है जिसमें सबूत थे ही नहीं और इन्वेस्टिगेशन तरफ बढ़ना पड़ा, उसके ऊपर फोकस रहे और ये डुगडुगी बजाते रहे, बजाय कि जिन केसों में सबूत है उनके ऊपर मीडिया और पाकिस्तान फोकस करे और देखे कि इनका असली काला किरदार क्या है। ये स्टंट नहीं चलेंगे, अब ये स्टंट है, मैं इसको कोई अहमियत नहीं देता। दानियल अजीज साहब, 5 जजेस ने फैसला दिया, इतने अरसे तक केस चला, आप इसे खोखला कह रहे हैं। मियां महमूद रशीद साहब, क्या वाकई इतनी मामूली सी बात है? मैं कह रहा हूं सिरे से, इसमें नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं है। ये जी देखिए, ये बात जो है, ये दानियाल साहब कह रहे हैं कि बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस करें, ये 100 दफा करें बैलेंस, किसी को कोई एतराज नहीं है, शौक से करें। और इन्होंने पूरी तैयारी करके ये जितने केसेस किए हुए हैं, ये चाहते हैं कि पनामा से और JIT से तवज्जो हट जाए, और इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने केसेस किए हैं, इलेक्शन कमीशन में किए हैं या इनके असासाजात के ऊपर किए हैं, ऑफशोर कंपनी के पे किए हैं, उस पर बात मीडिया करे, पूरी कौम करे। भाई इमरान खान ने कोई इक्तदार में आके लूटमार का बाजार गर्म किया हुआ कि उस पर करें आप, शौक से करें, आप मुतालबा करें कि ओपन कैमरा हियरिंग होनी चाहिए, मीडिया वालों को भी कहें। लेकिन जो केस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जिसकी धूम मची है और जिसकी पिछले पूरा एक साल तक पाकिस्तान की सियासत जो है ना साकत और जामद होके रह गई है, उसके ऊपर एक फैसला आया है और फैसले के बाद JIT बनी, उस पर बात नहीं होनी चाहिए? यानी दानियाल साहब की मंतक कितनी अजीबो गरीब है कि जो करंट और बर्निंग इशू है जिस पर पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नजरें लगी हुई हैं, उस पर तो बात नहीं होनी चाहिए, वो तो ड्रामा है, वो तो बेकार है। रजा साहब, जो फैसला आने के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुली, मैं एक और ये बात करना चाहूंगा, कह रहे हैं उसके बाद दूसरी जो बातें हैं, दूसरे जो केसेस हैं वो भले शौक से ये मुतालबा करें, जो आप जब मौका देंगे तो मैं बात करूंगा। जी मियां साहब सुन लें, मियां साहब सुन लें, दानियाल साहब कुछ कह रहे हैं। जी दानियाल साहब, जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें महमूद साहब की बात से, कि ये कह रहे हैं कि कभी ये ओहदा ही नहीं रखा। आप मुझे ये बात बताएं, शायद इनकी याददाश्त काम नहीं कर रही, लेकिन जहांगीर तरीन तो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सिटिंग थे, उन्होंने अपने खत में लिखा है कि वो खुद जाकर के अपने बावर्ची और अपने माली के साथ एज ए मिनिस्टर SECP में लफ्ज नेगोशिएट करते रहे। तो क्या वो अदारों के ऊपर असर दराज नहीं हुए थे? क्या इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री वो नहीं है जो कि इंडस्ट्री उन्होंने खरीदी उसके साथ मुतालिक, क्या वो नहीं? आप ये चीजें भूल गए? आप बड़ी आसानी से मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू, खुदा रहा थोड़ा सा बराबरी का इस्तेमाल करें। आप इतना ना शाह से वफादार शाह बने, वो 4 जो जहाज में आपको सैरें करवा के तो पूरी पार्टी को रद्दी कर दिया, वो भी देखें, वो आप पूरी जमात हाईजैक कर चुके हो। दानियाल साहब का किरदार सारे पाकिस्तान के सामने जगह अहमियत के हामिल है, दोनों करप्शन से जुड़े हुए। मुझे पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ दानियाल साहब सुन लें, चाहे मियां महमूद रशीद साहब जो फरमा रहे हैं या आप फरमा रहे हैं, दोनों मामलात करप्शन से मुताल्लिक हैं। मेरा आपसे पहला सवाल यह था कि क्या PTI का ये मुतालबा जायज है और आप इसको वेलकम करेंगे कि जो भी प्रोग्रेस हो JIT की वो मीडिया में आए, मुश्तहिर हो, लोगों को पता चले, क्लियर हो सारी चीजें या नहीं? वो तो जी देखें, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो हर 2 हफ्ते के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तलब की है और वो ओपन कोर्ट में होनी है, तो जारी बात है इसमें छुपी हुई कौन सी चीज है? ये जानबूझ के ये ड्रामा बनाते हैं। पिछली मर्तबा इन्होंने एक अफजल खान नामी शख्स ले आए, ये जी जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का आईनी शायद है, इसने जनाब मुनज़्ज़म दांदरी देखी है, वो बेचारा आज तक रुलता फिरता है, इस्लामाबाद की कचहरियों में माफिया मांगता फिरता है। जस्टिस इफ्तिखार ने उसके खिलाफ डेफेमेशन का दावा किया, नजम सेठी ने इमरान खान के खिलाफ किया, वो 35 पंक्चर जो हैं वो 44 दफा उसको कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, वो मान चुका है कि मैंने झूठ बोला है, उधर जाता नहीं है मर्द बन के, अदारों की ये बातें करते हैं, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या रजा ठीक साबिर साहब आपकी तरफ भी आता हूं, मगर मियां साहब आपसे पूछ लूं, क्या जितने केसेस इमरान खान साहब से मुताल्लिक हैं वो भी उसी तरह से डिस्कस होने चाहिए मीडिया पर जिस तरह से ये होता है? नहीं, हमने कम मना किया कि ना करें, इन्हें शौक चुराया हुआ है, ये समझते हैं कि ब्लैकमेलिंग करके इन केसेस का चर्चा करके ये इतनी वैल्यू बना लेंगे, उन केसेस की कभी नहीं बनेगी। जो लूटमार का बाजार इन डाकुओं ने गर्म किया हुआ है, जो 30 साल से इस मुल्क के वसायल को लूटमार करके जो बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो एक्सपोज हुए पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। ये इमरान खान को ये जहांगीर तरीन का नाम ले रहे हैं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, ये जो लूटमार की हुई है, क्या एक केस
कौन से केस नहीं है, हुदैबिया पेपर मिल, मनी लॉन्ड्रिंग, एक एक केस उठा लें। और नवाज शरीफ आज तो खुद एतराफ कर गए कि जनाब वो इतने करप्शन के केसेस हैं, इतनी दलदल में धंसा हुआ है और इतने स्कैम है कि हम क्या करें, हम तो डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। तो आप जरा बात करते वक्त थोड़ा सा ये सोच लिया करें कि आपकी कोशिश से नहीं मीडिया ने करना कि उन केसेस पर तवज्जो दें। मीडिया जो इंटरनेशनल नेशनल जो अहमियत का केस है उसके ऊपर एक जुमले का मौका दीजिएगा, पूरी कौम ने दिया है उसके जी जी दानिया साहब, एक जुमले का मौका दीजिएगा मेरा मसूद रजा साहब, उसको आप ड्रामा कह रहे हैं, उसको आप खोखला कह रहे हैं, एक मिनट में एक जुमले का मौका दें प्लीज। यानी जो असल केस है उससे मसूद रजा साहब मुझे एक मौका दीजिएगा, इन शोशों का डट कर बात सुन लीजिए, चले कोर्ट ऑफ लॉ में फैसला हो जाएगा जो भी करना होगा कोर्ट ने, आप मुझे एक मौका दीजिएगा जी। जी दानिया साहब ये मसूद साहब ये तमाम बातें इन्होंने अदालत में अपने स्टपनी वकील जो उन्होंने खुद अपने आप को खिताब दिया है उन्होंने ये सारी कोशिशें की। जब जजों ने उससे पूछा कि आप अपना केस बताएं क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये एसेट छुपाने का केस है, इन सारी चीजों से ये इन्होंने मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा जी हमारा केस तो सिर्फ गलत बयानी का रह गया, ये खुद ये माने हैं अदालत में। अब खुदा रहा ये वही 35 पंक्चर वाली बात है, ये वही घोड़ा अस्पताल, ये वही बर्गर के रैपर निकले हैं जी, के बैग ही खाली है, बैग मिले ही नहीं है, जवाब दो, जेटीआई बन रही है, ये सब झूठ, ये सब झूठ और फ्रेब। और खुद ये अब ये देखिए, अब ये सिर्फ एक बात कह सकते, एक बात सिर्फ कहकर के पूरी कौम देख रही है कि हम किन मामलात पर उलझे हुए हैं। हमारा पिछला दौरे हुकूमत देखें तो गुजर जाता है कि वजीर आजम खत लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, फिर आ जाता है मेमू गेट, इस दफा अगर आप देखें तो इलेक्शन में धांधली हुई है और फिर उसके बाद मामला आ जाता है जनाब पानामा का। दीगर मामलात कहाँ गए हमारे इस वक्त, जब मैंने इब्तिदा में जिक्र किया कि हमारे बॉर्डर्स, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, अब ईरान भी बीच में आ गया है, ये मामलात हमारे मामलात क्यों नहीं है साबिर साहब? हम किन चीजों पर उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं? पानामा पर कोई 3000 से ज्यादा तो सिर्फ टॉक शोज हो चुके हैं जी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिये पाकिस्तान में हकूमत को जो काम करने हैं वो तो कोई करता ही नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल साकित हो गया है, जैम हो गया है, स्टेट जो है ना वो बिल्कुल एक जगह पे रुक गई है। अनफॉर्चुनेटली अभी पता नहीं कि जो है ना कि इसका अंजाम क्या होगा, हम एक ऐसे घोड़े पे बैठे हुए कि जिसकी बाग हमारे हाथ में नहीं है, वी वेरी फ्रैंक। अच्छा अब बात यह है कि अभी टॉक शोज में ये हमारे लीडरान हैं, हमारे जो है ना बड़े मोतबर असेंबलियों के मेंबर्स हैं, और अगर आप किसी ओपिनियन पे इनको बुलाते हैं तो इनका अंदाज देखें किस तरीके से ये बात करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो, ऐसा नहीं है भाई। दोनों फंसे हुए हैं इस वक्त, टू बी वेरी फ्रैंक, दोनों फंसे हुए हैं, दोनों जमातें जो है ना इस वक्त जो है ना एक बहरान में है और एक खतरनाक मोड पे आ गए हैं ये लोग। अच्छा दोनों तरफ से, अच्छा इसमें मैं एक चीज ऐड करूं साबिर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, हम हुकूमत पर भी एतबार नहीं करते, हम अपोजिशन जमातों के मौकफ पर भी एतबार नहीं करते, हम अदलिया पर भी एतबार नहीं करते, हम जीआईटीस पर भी एतबार नहीं करते, और हमने जो कंसीव कर लिया है, जो परसेप्शन बना लिया है, अगर उससे जरा से भी हटकर बात हो तो वो हमारे खिलाफ है, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं डेफिनेटली जी बिल्कुल, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना आपको। अब देखो जो डीसीसी होनी चाहिए वो डीसीसी नहीं है हमारी सियासत में यहाँ पे। अच्छा अब पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मोतबर जमात है। अब हमारे लोगों का रवैया देखें, हमारी लीडरशिप का रवैया देखें, बिलावल साहब का रवैया देखें, जरदारी साहब का रवैया देखें, उन्होंने कभी किसी पे जो है ना सख्त अल्फाज में बात नहीं। मैं आपको रवैया दिखाता हूँ। आज इमदाद फताफी साहब ने वजीर आजम के बारे में कुछ बात की। नवाज शरीफ ने हमारे एमएनएस को कितने फंड दिए, नवाज शरीफ ने कहा वो बातें की, नवाज शरीफ सिंध में घूम रहा है और इस तरह पैसे अनाउंस करता फिर रहा है जैसे अंधा रेवड़ा बांटता फिर रहा है, जो सिर्फ झूठ पे मुबनी है कि हकीकत पे उनका कोई
ताल्लुक नहीं है। ये नवाज शरीफ जो ऐलान कर रहा है वो सिर्फ सिंध के लोगों को बनाने की बात कर रहे हैं और उनका वजीर आजम पानामा की जद में आ चुका है और जीआईटी उनके खिलाफ के लिए नारे लगा जीआईटी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बन चुकी है। मैडम क्या कौम ये सब कुछ सुनना चाहती है, अपने मसाइल का हल जानना चाहती है? आप तीनों से पूछूंगा। साबिर साहब आप डिसेंसिस की बात कर रहे थे, कौन सी डिसेंसिस है? अगर उन्होंने देखें मेरी अर्ज सुने मसूद भाई, ये तो आपने देखा है कि यानी पिछले पीपल्स पार्टी के जमाने में जितने भी डेवलपमेंट फंड थे पीपल्स पार्टी के मेंबरान से ज्यादा तो नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग के आपके नूर के लोगों को मेंबरान को फंड्स दिए गए। वहां पे एक किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की थी यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। आज मैं तो वो कह रहा हूं, ये बात कह रहा हूं सर कि जी पीपल्स पार्टी के लोगों को अगर फंड नहीं दिए जा रहे हैं तो ये कोई जो है ना इस तरह ये तो हुकूमत थोड़ी है, ये तो एक बादशाहत है, एक जो है ना मोनार्की चल रही है यहाँ पे, जिसको जी चाहे जो है ना आप उसको नवाजते हैं, जिसको जी ना चाहे उसको जो है ना उसको पूछता कोई नहीं। हम सब आपको डिफेंड करेंगे। दानियल साहब यही सवाल आपके सामने जी, ये तो अभी आपके सामने भी यही सवाल आप रोएंगे जी। दानियल साहब यही सवाल आपके सामने ही सवाल है जी, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बहुत ही उमदा सवाल है और मैं समझता हूँ कि हम सबको ये जो एक नया तर्ज सियासत ये कजन्स लाए हैं ना, ये तायरुल कादरी इलेक्शन से पहले आ गया था तो हमने ये नई टेक्नोलॉजी देखी कि अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मुकाबला और सामना कैसे करना है। तो ये एक कुछ तरियर स्क्वायर से मांगी हुई और कुछ नकल मारी हुई थाईलैंड की रेड शर्ट्स की, वो उसका कोई जुगाड़ बना के इन्होंने लॉन्च किया इस्लामाबाद पे। और इसी तरह इन्होंने भी आना था, ये जो बाद में कज़न बने उस वक्त भी ये कज़न बनाए गए थे, तो बाद में फिर इनका पूरा पहले ट्रेलर चला पूरा फिर शो चला। और ये एक सीट वाली जमात जो कि उबर के सामने आई है, अब तो ये मामला सारा सामने आ गया कि इनको पैसे दिलवाए गए थे। ये अमेरिका में एक मुनज़म तरीके से इन्होंने जो कंपनियां खोली और इनको जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर हुए। सर मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, माजरत आपकी बात यहां कटेगी, हम कंटिन्यू करते हैं इसको, एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। आप बात कर रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की और उसको डिरेल करने का इल्जाम आप पीटीआई पर लगा रहे हैं, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले इमदाद पताफी साहब की सिंध असेंबली में तकरीर का एक इक्तबास सुनाया जिसमें उन्होंने वजीर आजम के मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसे आम जबान में कहते हैं कि गाली दे दी, और इस पर जो रिएक्शन आया साबिर बलोच साहब ने उसका दिफा किया, दानियाल अजीज साहब ने थोड़ी सी मजम्मत की और बॉल फेंक दी पीटीआई के कोर्ट में कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई ने किरदार अदा किया है, सियासी कजन बने पीटीआई और तहरुल कादरी साहब की जमात। और ये सारी गर्मा गर्मी और मेरा सवाल मुसलसल यही है कि आखिर हम दूसरे इश्यूज की तरफ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? मियां महमूद रशीद साहब इतनी सख्त जबान इस्तेमाल कर दी गई मगर फिर भी आप ही की तरफ इशारा है कि आप जम्हूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए इससे बड़ी मजका खेज बात और क्या हो सकती है, ये कहना कि हम जम्हूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं। जम्हूरियत के सम्राट पिछले 70 साल में ये जो लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है इन हुक्मरान जमातों के जो करते धरते हैं, दो खानदान हैं जिन्होंने जम्हूरियत के सम्राट आम आदमी तक नहीं पहुंचने दिए और डे बाई डे ये हुक्मरान शहजादे जिनकी औलादें पलती हैं उनके एसेट्स में अरबों खरबों रुपए का इजाफा होता चला गया और इस मुल्क का आम आदमी जो है वो गरीब से गरीब तर होता चला गया और आज उनके चूल्हे नहीं जल रहे, 60% से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग स्कूलों से बाहर है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और तमाम अदारे कोलैप्स कर चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। पीआईए किसी जमाने में उसकी क्या बात थी 30 साल पहले, पाकिस्तान स्टील मिल कितने प्रॉफिट में जा रही थी, एक एक अदारे को चुन चुन के इन्होंने तबाही के धाने पर पहुंचा दिया इन तीनों दोनों पार्टियों। मगर दूसरी तरफ का मौका भी तो सुने ना कि तो अब जम्हूरियत का तसलसल अगर रहेगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी, मुझे वहां से तो ये कहा जाता है और जम्हूरियत के मुकम्मल कर लेने कब ठीक होंगी इन्हें, गुजारिश ये है कि 3 बारियां लेने के बाद इन्हें मजीद 5 बारियां चाहिए ये ठीक करने के लिए, यानी इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं करप्शन का खात्मा। जो वजीर आजम ने कल तकरीर फरमाई है कि इतने केसेस हैं इतनी करप्शन है हम वो डेवलपमेंट के काम करें उनको क्या करें, यानी ये उनका लबो लहजा है।
तो मैं ये समझ रहा हूं कि पीटीआई ने पहली दफा ये ताजा हवा का झोंका इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि ये लूट मार का बाजार गर्म करने वाले और मुकमका करके लूटने वाले जो इस मुल्क के रखवाले बने हुए हैं वो सबसे बड़े डाकू भी हैं। और अभी बलोच साहब कह रहे थे जी, अच्छा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दी, फिर मैं दानियाल साहब की तरफ आता हूं। तो जैसे जैसे आप जैसे जरदारी साहब जो है ना वो बड़े निहाल हैं, वो आजाद हो चुके हैं, अब जीआईटी को आजादी से अपना काम नहीं करना चाहिए या उस पर आपका दबाव बरकरार रखना चाहिए, अवाम में ये तासुर नहीं जाने देना चाहिए कि हमारे इदारे खुद मुख्तार हैं, लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं और उन्हें करने दिया जाए, या आपकी तरफ से दबाव बरकरार रहेगा? देखिए मैं ये समझ रहा हूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट को ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था, है और हमारा रहेगा। जेटीआई के ऊपर अगर हम कहते हैं कि इसकी मगर कैमरा की बजाय फवाद चौधरी साहब के बयानात रोजाना की बुनियाद पर जो सामने आ रहे हैं फवाद चौधरी और दीगर लोगों के जानिब से, वो तो ये कह रहे हैं ना कि नहीं मजीद ट्रांसपेरेंसी मजीद चीजें सामने आनी चाहिए। क्या चीजें सामने आनी चाहिए? इदारे अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने देना चाहिए या नहीं? ये दबाव लाजमी है, होना चाहिए, जारी रखेंगे आप? नहीं, दबाव की बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आए। देखें एक चीज जो पूरी कौम मुतालबा कर रही है, वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, वो एमक्यूएम हो, वो काफ लीग हो, तमाम पार्टियां जिनकी पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है, वो सब कह रही हैं कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का ये तकाजा है इंसाफ का कि प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर दे और रिजाइन दे दें। अब प्राइम मिनिस्टर के अगर दामन साफ होता तो एक लम्हा ना लगाते, कहते जी मैं रिजाइन कर रहा हूं, ये सारी ये बात तो पार्लियामेंट में होगी ना, मगर हम बात कर रहे हैं अदालत और जीआईटी की। दानियाल साहब, मसूद दानियाल साहब, मैं गुजारिश कर अदालत और जीआईटी के जी जी मैं सवाल भी कर लूं, उसके दरमियान आप अपनी बात भी कर लीजिएगा कि वजीर आजम जीआईटी के सामने पेश होंगे, अपना बयान खुद देंगे या अपने नुमाइंदे को भेजेंगे, तहरीरी तौर पर बताएंगे, क्या बजाते खुद पेश होंगे इस जीआईटी के सामने? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, सवालात पूछने की बात हो रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ये जो शोर मचा रहे हैं ना अदारों का, ये बड़ा एक मजिया अंदाज है, ये समझते हैं कि दुनिया को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पीटीआई भी हुक्मरान है, ये महज अपोजिशन जमात नहीं है जो शोर मचाती चली जाए। आप केपी में देखें, अगर ये इतने संजीदा हैं तो जो 90 दिन में इन्होंने करप्शन खत्म करनी थी, उस एहतसाब कमीशन का ना सिर्फ हुलिया बगाड़ दिया बल्कि ताले लगा दिए, और डेढ़ साल से उसका जो अफसर है वही नहीं अपॉइंट करे सिरे से। और इसी तरह से जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट केपी की अपनी चलती चली आ रही थी कायदे आजम के जमाने से, उसके भी जो तोरू साहब है उनको उठा के बाहर फेंक दिया, वहां भी ताले लगवा दिए। अब एक तरफ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यानी इन्होंने जो कानून बदला अपने एहतसाब कमीशन केपी का, जिसका ये नारा था इनकी जमात का, उसमें इन्होंने कहा जो 120 दिन तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तो वो बाइज्जत बरी होगा शख्स जिसके खिलाफ इल्जाम है, और यहां पर 1970 का शोर मचा रहे हैं। सर अभी तो टॉपिक जेरे बहस ही नहीं है ना, अभी तो केपी के और पीपल्स और पीटीआई की गवर्नेंस जेरे बहस ही नहीं है ना। याद बड़ी सताती है, दानियाल को भेज दे थोड़ा देर केपी के, ये घूम फिर आए वहां से। ओ बातिया अकबर ठहर जा, ये जो मैं बता रहा हूं आपको बात, वो इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ सियासी स्टंट है, ये T20 के खिलाड़ी हैं, ये सियासी नहीं है। इनको जहां पर इनको चाबी लगती है वहां पर आती है ना, हम इनको ये बताते हैं ये सिर्फ ये सियासी जीआईटी के सामने जो है ये करप्शन को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि इनका कद बड़ा हो जाए, ये सिर्फ ये महज इनकी बात है। और जैसा मेरे सवाल का भी अब जवाब दे दीजिए, आपने सवाल पूछा जी, मैं आपको आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, बताना चाहता हूं कि उसमें और सबर कार्य है, उसमें इन्होंने ये कहा है ऑर्डर में कि अवेलेबल रहे, तो इसके लिए अगर वो जिसका नाम ही सिरे से नहीं है, जो पूरी अदलिया खुद नहीं उनका नाम कहीं डाल सके, ये खुद नहीं डाल सके, तो जब ये कोई ऐसी चीज आएगी जिसमें उनकी जरूरत पड़े तो उनको बुलाएंगे ना, ऐसे तो नहीं बुला लेंगे, सबूत तो कोई सामने हो, आज तक तो इनका नाम नहीं ये पेश कर सके किसी चीज में, ये पकौड़ों वाले कागजों में बुलाना उनको, ये अखबारों के तराशों में बुलाना है को खुदा। सवाल तो उठेगा कि किस तरह से असासे बने
वजीर आजम ने कहीं अपने ओहदों का, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए तो नहीं बनाए? जब ये सवाल उठेंगे और यकीनी तौर पर उठेंगे तो क्या वजीर आजम खुद पेश होंगे? मसूद रजा साहब, मसूद रजा साहब, खुदा रहा, आप अच्छे भले सुलझे हुए एंकर हैं, आप प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने नाजरीन को गुमराह ना करें। ये अपने केस में ये खुद जो पिटिशनर है ये इस मौकफ से भाग चुका है, आप पे भी इल्जाम है। जब इनसे जजेस ने पूछा कि आप बताएं, तो फिर इन्होंने सिर्फ ये कहा, फिर इन्होंने ये सिर्फ कहा कि ये गलत बयानी का केस है हमारा, ये खुद इस बात से भाग चुके हैं। प्लीज आप केस केस का सारा निकाल के पढ़ लें पिटीशन को, ये खुद इस बात से भाग चुके हैं। इसीलिए तो एफबीआर को मुलव्वस नहीं किया गया। सर असासे बने हैं, वजीर आजम की फैमिली का नाम है उसके अंदर, उनके बच्चों का नाम है, और बच्चों की उम्रें बहुत कम थी जिस वक्त ये असासे बने, इसलिए वजीर आजम का नाम है। बच्चों का एक बात तो आप किसी को जी, तो हुसैन हुसैन नवाज ने, हुसैन नवाज ने टाइटल डी पेश की अदालत में, दानियाल साहब जो फरमा रहे हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, आप ठहरे एक मिनट के लिए, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, आपसे नहीं पूछा। इसमें जो हुसैन नवाज साहब है, हुसैन नवाज साहब बिल्कुल जवाब देंगे, और वो अदालत में भी उन्होंने टाइटल डीड जमा करवाई है, और वो जो जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे, लेकिन वो हुसैन नवाज देंगे क्योंकि नवाज शरीफ का नाम नहीं है, वो बनाना पड़ेगा इनको, जब बनाएंगे तो सारी बात सारी कौन को पता चलेगा। साबिर बलोच साहब गुफ्तगू आप सुन रहे हैं काफी देर से जनाब। जी देखें, दानियाल साहब जी फरमा रहे हैं, आप देखें बात यह है कि अव्वल तो इस चीज को गौर करें कि अगर उनका नाम ना होता प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर अगर इस केस में शामिल ना होते तो उनको क्या जरूरत थी कि वो पार्लियामेंट में बयान दे, उसको क्या जरूरत थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दे कि जनाब हम तो हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हम हर बात के लिए तैयार हैं, हम हर किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन पेश करने के लिए प्रोवाइड की शक्ल में उन्होंने कहा था। जब खानदान का सरबराह तो खानदान के सरबराह को तो जवाब देना तो पड़ेगा। अच्छा जनाब अर्ज सुने, अब मसला ये है कि देखो अब ये अब बात तो कोर्ट में है, अब फैसला कोर्ट करेगा। अब इमरान खान का मामला भी मेरे ख्याल तो ऐसा लगता है कि उस पर भी कोई जीआईटी बनेगी डेफिनेटली, ठीक है ना, जिस तरह नवाज शरीफ के केस में बना है, इस पर भी कोई जीआईटी वीआईटी बनेगी। अब ये दोनों फंस चुके हैं, अभी दोनों ने एक दूसरे के हाथ एक दूसरे के गरेबान में अटके हुए हैं, तो अब लेकिन बुनियादी बात यह है कि कानून को अपना रास्ता खुद ढूंढने दो। अगर पीपल्स अपने तो हमेशा देखो, आपने मसूद भाई इस चीज को देखा है कि ये तमाम यानी जो गंद फैला हुआ है सियासत में इन्होंने बनाई हुई है नवाज शरीफ के ग्रुप ने और इमरान खान के ग्रुप ने, उसमें तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम पीपल्स पार्टी और हमारी लीडरशिप। सर बयान आपकी तरफ से भी कोई हल्के नहीं है, देखें जी जनाब अर्थ सुन रहे मेरी, हम तो कम अज कम गंद का हिस्सा भी नहीं है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस, थैंक्स गॉड। अच्छा दूसरी बात यह है कि मैं आपको अर्ज कर लूं कि देखें के नहीं साबिर साहब आपकी तरफ से सॉरी मैं ऐड कर दूं अगर आप अपने आप को बिल्कुल अलग इससे कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से बारहा ऑन रिकॉर्ड ये कहा गया है कि हम चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं पनामा का फैसला क्या आएगा, उसके बाद सड़कों पे जाने का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ये बयान आपकी तरफ से आता रहा है डेफिनेटली। ये तो हम अब भी कहते हैं कि जी हम देख रहे हैं, हम देखेंगे कि पनामा का क्या रिजल्ट निकलेगा, हम देखेंगे इमरान खान के केस का क्या रिजल्ट निकलेगा। अच्छा और हम तो ये कहते हैं कि जनाब अब आप देखें कि यानी बिजली के मामले में पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी अपनी गवर्नमेंट में तो कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था कि जी कि हम एक साल में, छह महीने में, चार महीने में। अभी आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, इन लोगों ने जनाब खुद कहा कभी तीन महीने में लाएंगे। इतना भी ख्याल एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक, एक ब्रेक के बाद सर पूछा जाता। वेलकम बैक। अपने तीनों ही मेहमानों से मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि वक्त मेरे पास सिर्फ डेढ़ मिनट बाकी बचा है, 30-30 सेकंड आपके पास हैं, और मैं मेरी दरख्वास्त ये होगी कि सवाल के जवाब में बस जवाब दे दिएगा हाँ या नहीं में। मैं तीनों से सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले दानियाल साहब, मुझे जवाब नहीं मिला था, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या वजीर आजम जे आई टी के सामने खुद पेश होंगे या नहीं होंगे अगर ज़रूरत पड़ी? जो भी कानून के तकाजे होंगे वो ज़रूर पूरे करेंगे।
क्लियर नहीं है कि अगर जरूरत पड़ी और बुलाया तो खुद पेश होंगे या नहीं। मैंने दोबारा अर्ज करता हूं, जो भी कानून के तकाजे होंगे वो सब पूरे किए करते चले आएंगे। ठीक, महमूद रशीद साहब, इमरान खान साहब पर ये इल्जाम रहा है कि वो स्टे के पीछे छुप जाते हैं कोई भी मामला होता है। ये गैर मुल्की फंडिंग केस में उन्होंने कहा है कि कुछ छुपाएंगे नहीं, तो बाकी केसेस में भी क्या इसी तरह की पॉलिसी होगी या ये सिर्फ स्पेसिफिक इसी केस के बारे में कहा गया है? देखिए, हम मुकम्मल तौर पर अदालत के अंदर अपना सब कुछ पेश करेंगे और पूरी तरह से हम डिफेंड करेंगे अपने मौकफ को। पीटीआई हमेशा अपना ऑडिट करवाती है बड़ी इंटरनेशनल फर्मों से, फर्गूसन जैसी कंपनियों से। एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ठीक, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जालिम आदमी है कि जिस तरीके से दानियाल, सर बात किसी और तरफ चली जाएगी, प्लीज अब मैं जवाब नहीं ले पाऊंगा दानियाल साहब से, अब जवाब नहीं ले पाऊंगा, आप आपका जवाब आ गया, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से बदजुबानी करते हैं साबिर साहब, नहीं बनाया उन्होंने साबिर साहब, नहीं बनाया, फरमाए कि आपकी तरफ से जो तेज और तुंद बयान हैं मुल्क के खारजी मामलात को देखते हुए, बॉर्डर की सूरत हाल देखते हुए, ये मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे या कोई इम्कान है कि आप बैठकर तसल्ली से भी बात करेंगे? देखें, आप इनको तुंद तेज बयानात कहते हैं लेकिन पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जरदारी साहब और बिलावल, चेयरमैन बिलावल साहब, वो पाकिस्तान और मुल्क के हालात को देख के, आफ्टरऑल वो नेशनल लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है हम हुकूमत को, गवर्नमेंट को, ठीक है, ठीक है, फैसला बवाम को करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानियाल अजीज साहब, मियां महमूद रशीद साहब, साबिर बलोच साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।